अस्सलाम वालेकुम। मैं फहमीदा अपने चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे चटनी वाला आलू की खटी, जिसके लिए हमने 800 ग्राम आलू ले लिए हैं और इनको धो के बारीक बारीक काट लिए हैं। इसके लिए हमने एक प्याज काट लिया है, एक पोथी लहसुन की काट लिया है, आधा चम्मच नमक ले लिया है, कचार फाड़ ले लिया है, आधा चम्मच जीरा है, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है, टमाटर काट लिया है, 3 हरी मिर्च काट लिया है, 2 चम्मच लाल मिर्चों की चटनी है जो हमारे चैनल पर बड़ी है। कुकर हमने रख लिया है, तेल हमारा गर्म हो चुका है, हमने 1 चम्मच तेल डाल लिया है, हम इसमें लहसुन डाल देंगे और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अब जीरा डाल देंगे हम इसे साथ ही। अब जीरा भी हमारा थोड़ा हो चुका है और फिर प्याज डाल देंगे थोड़ा सा ब्राउन कर। अब प्याज डाल देंगे इसमें, प्याज से ब्राउन कर लेंगे अच्छे से। लहसुन जीरा प्याज हमारी ब्राउन हो चुके हैं, फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। इसमें हमने चटनी डाल देंगे और इसको थोड़ी देर के लिए भून लेंगे और इसमें टमाटर हरी मिर्च डाल देंगे और नमक भी डाल देंगे। भून लेंगे अच्छे से, भून लिया, थोड़ा सा पानी डाल के भून लेंगे 4 से 5 मिनट तक। वह है अब हम ये चार भी डाल देंगे और इसको चला देंगे और इसमें हम आलू डाल देंगे, भून लेंगे 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे आलू को। देखिए हमारे आलू कलर वाले बन गए हैं, सूखा नहीं रखे हैं, बहुत अच्छे से बन गए हैं, इन्हें सूखा नहीं रखे हैं, थोड़ा सा इनमें हम कपड़े चोरबा करेंगे ताकि खाने में अच्छा लगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे, इन्ना 1 गिलास पानी डाल दिया है और इसमें 1 सीटी लगा देंगे। एक सीटी लगाते ही हमने गैस निकाल दिया है, अब देखते हैं तैयार है हमारा आलू। गल चुके हैं, थोड़ा सा धनिया डाल देंगे और इनको डालेंगे, इनको डिश आउट कर लेंगे। तैयार है हमारी चटनी वाली आलू की कतली। आप भी बनाइए, ट्राई करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।